मन तो कर रहा है कि इस आकाश चिड़े पर अपनी ये बैलगाड़ी चढ़ा दूं, क्योंकि वहाँ खेत पर इसकी बड़ी जवान चल रही थी। भगवान के लिए आप दोनों चले जाओ यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, धोखेबाज कहीं के। क्या कहा कि हम धोखेबाज हैं? कालू जी जरा बैलगाड़ी आगे तो बढ़ाओ, तब पता चलेगा इन्हें कि हम धोखेबाज हैं कि कैसे हैं। फिर कालू कौवा अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ाता है, रानू तो वहाँ से हट जाती है, लेकिन आकाश चिड़ा उसके नीचे आ जाता है। ये तुम दोनों ने क्या किया, हमारा खेत भी हमसे छीन लिया, पैसे भी वापस नहीं किए, और अब हमारी जान भी लेना चाहते हो। ये कहकर रानू जल्दी से अपने पति को हॉस्पिटल लाती है, और वो कालू कौवा भी हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, अब आपके पति कभी नहीं उड़ सकते, क्योंकि इनकी पंख की हड्डियाँ जो टूट गई हैं। रानू कल तक कितना अच्छा था, लेकिन आज तो क्या से क्या हो गया, हमारा फसल से भरा खेत भी छिन गया, मेरे पंख भी टूट गए, और कहीं काम भी नहीं मिला। पति जी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपका पंख बड़े से बड़े अस्पताल में दिखाऊंगी, फिर आप पहले की तरह फिर से उड़ने लगोगे। फिर रानू चिड़िया अकेले ही काम की तलाश में चली जाती है, वो दूर दूर तक काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। तब वो थक हार कर एक खाली जगह बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कहीं भी काम भी नहीं मिल रहा है, अब मैं अपने पति का इलाज कहां से कराऊंगी। रानू चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी कि तभी एक बूढ़ी चिड़िया वहां से गुजरती है, जब उसे रोते हुए देखती है तो उसके पास आकर कहती है, बेटी क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। फिर रानू चिड़िया उन्हें सारी बातें बता देती है, बेटी ये जादुई अंडे का बीज है, तुम इसे अपने खेत में बो देना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर रानू वो अंडे का बीज लेकर अपने घर आती है और उसे अपने खेत में बो देती है। रानू अब इस एक अंडे के बीज से क्या होगा, अपनी तो सारी फसल ही छिन गई। फिर रात को वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह उनके खेत में एक बहुत बड़ा अंडे का पेड़ उगाता है और उस पर बड़े बड़े अंडे लग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पति जी ये क्या, इस पर तो बहुत बड़े बड़े अंडे लगे हुए हैं, अब तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आपका इलाज भी बड़े अस्पताल में हो जाएगा। फिर रानू चिड़िया अंडों को तोड़कर बाजार में बेच देती है और अच्छे खासे पैसे कमा लेती है, अपने पति का इलाज भी करवा लेती है और एक खेत भी खरीद लेती है। इस तरह रानू अंडे की खेती करके खुशी खुशी रहने लगती है। लाल लाला ला, हो मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। ऐसे बैठे गाने ही गाते रहोगे या जाकर मेरे लिए भोजन भी लेकर आओगे? मैंने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि मुझे भोजन लाने में बहुत ही दिक्कत होती थी, इसलिए अब तुम जाओ और अपने लिए भोजन लेकर आओ और मेरे लिए भी। मैं अपने भाइयों के लाड़ प्यार में पली बड़ी हूँ, मेरे भाई मेरी हर इच्छा को पूरा करते थे। तो फिर तुम्हें अपने भाई साथ ही ले आने थे, या फिर उनसे कहो कि वो मेरा और तुम्हारा भोजन भेज दें। अभी मुझे भूख लगी है, पहले मैं भोजन खाकर आऊं, फिर बात करूंगी। फिर कोरी को अभी गुस्से में वहां से चली जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, आज आप पहले ही दिन घर से बाहर कैसे? चिड़िया मैं क्या करूं, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे क्या पता था कि कालू कौवा कुछ भी नहीं करता है और इतना कायल है। मैंने उसे भोजन के लिए कहा तो कहने लगा कि खुद जाकर ले आओ। गोरी बहन आप चिंता ना करें, कालू भैया ने शुरू से ही काम नहीं किया है, अब जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। चिड़िया मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास ये कुछ दाने हैं, तुम इन्हें ले जाओ, खुद भी खा लेना और कालू भैया को भी खिला देना।
गौरी को भी खुशी खुशी वो दाने लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी को भी तंग आकर अपने भाइयों को एक चिट्ठी लिखकर भेजती है। भाई, मैंने कालू कौवे से शादी करके बहुत गलती की है। वो कोई भी काम नहीं करता है और ना ही भोजन लेकर आता है। अगर मैं उससे कुछ कहूँ तो मारने के लिए आता है और हर समय सोया रहता है। भाई, आप आकर मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। आपकी बहन गौरी को भी। माँ, माँ गौरी बहन की चिट्ठी है। ठीक तो है मेरी बेटी, क्या लिखा है मेरी बेटी ने चिट्ठी में? माँ, गौरी बहन बहुत परेशान है। उसका पति उसे हर समय मारता रहता है और भोजन भी नहीं ला कर देता। मुझे तो पहले ही वो आवारा कौआ लगता था। मैं अभी जाकर अपनी बेटी को ले आती हूँ। वो दो दाने ही तो खाएगी मेरी बेटी। ऐसा कहकर गौरी की माँ गौरी को लेने के लिए घर से निकलती है। गौरी, मैं धीरे धीरे खुद को बदल लूंगा, आप प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर ना जाओ। मैंने तुमसे शादी करके गलती की थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहने की गलती नहीं करूंगी। ऐसे ही गौरी को अभी की माँ भी आ जाती है। बड़े बदमाश हो तुम, बहुत मेरी बेटी को मारते हो। अब मार कर देखो कैसे मारते हो तुम मेरी बेटी को। बोलो कालू जी, अब बोलो, अब क्यों चुप हो, बोलो ना। माँ जी, मैंने इसे मारा तो नहीं है, मेरी तो भोजन के पीछे लड़ाई हुई थी इससे। वो भी मैं सुधर जाऊंगा, आप प्लीज मेरी पत्नी को ना लेकर जाएं। नहीं माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर चलो, अब मैं नहीं रहूंगी इसके साथ। फिर गौरी कवि की माँ गौरी को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। और इधर कालू कौवा चिड़िया के पास आकर रोते हुए कहता है, चिड़िया बहन, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, आप प्लीज मेरे साथ चलें और उसे समझाएं। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी तो और वो क्या करेगी? तुम एक उसके लिए भोजन भी नहीं ला सकते, बाकी और क्या करोगे तुम? मैं बहुत कोशिश करता हूँ खुद को बदलने की, परंतु मैं खुद को नहीं बदल पाता। तो पहले तुम खुद को बदल लो, फिर जाकर ले आना अपनी पत्नी को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कौवी को अपनी तबीयत कुछ खराब लगती है, इसलिए वो बुलबुल दी के पास जाती है। बधाई हो गौरी कौवी, तुम एक अंडे की माँ बनने वाली हो। ये क्या गौरी कौवी, तुम्हें खुशी नहीं हुई ये सुनकर? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगी कि इसका पापा कहाँ है, और मैं इसके पापा के बिना अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगी? हो सकता है कि कालू अब सुधर जाए। मैं माँ जी से कहती हूँ कि वो मुझे कालू के पास ही छोड़ आए। फिर गौरी अपनी माँ के घर जाती है, और जब वो माँ के घर पहुँचती है तो वहाँ कालू को देख हैरान हो जाती है। गौरी, मैंने माँ जी से माफी मांग ली है, चलो मैं आपको लेने आया हूँ। गौरी बेटी, कालू बहुत शर्मिंदा है और ये विनती कर रहा है कि फिर से ऐसा वैसा ना करने के लिए वचन दिया है इसने। हाँ माँ, अब मैं भी खुद अपने घर वापस चली जाना चाहती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा तो बहुत खुश हो जाता है। जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। फिर कालू और गौरी कौवी वापस अपने घर चले जाते हैं। पति जी, एक खुशी की खबर है आपके लिए। बताओ बताओ गौरी, क्या बात है? कालू जी, आप पिता बनने वाले हैं, मेरे एक अंडा होने वाला है। क्या क्या, सच में मैं पिता बनने वाला हूँ? हाँ सच में कालू जी, आप पिता बनने वाले हो।
अब तो मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखूंगा। तुम घर में आराम करो और मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आता हूँ। फिर कालू कौवा गोरी के लिए भोजन लेने चला जाता है। वो उड़ता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो भोजन कहाँ से ले। तभी वो कबूतर और तोते को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखता है। फिर वो उनके पास जाता है। मैं भोजन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तोते यार मुझे कहीं पर भी भोजन मिल ही नहीं रहा। ये सुनकर तोता और कबूतर हंसने लग जाते हैं। भोजन और कालू कौवे, तुम्हें तो कभी भी भोजन ढूंढते हुए नहीं देखा। और वैसे भी भोजन तो सुबह सुबह मिलता है। अब तक तो सारे पक्षी भोजन ले लेकर अपने घर चले जाते हैं। फिर तोते और कबूतर यार, अगर कल तुम भोजन लेने जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेते जाना, क्योंकि मुझे भी भोजन की खोज में जाना है। और अब मैं बदल चुका हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना घर बसाना है। अगर तुमने सच में खुद को बदल लिया है तो हम कल जाते समय तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ पर दो अमरूद रखे हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो खुशी खुशी नीचे उतरता है। चलो कम से कम हम दोनों पति पत्नी के लिए भोजन का बंदोबस्त तो हुआ। फिर कालू कौवा वो अमरूद लेकर अपने घर आ जाता है। पति जी, आपने कुछ खाया है? हाँ, मैंने तो चावल खा लिए थे। कालू झूठ में ऐसा बोलता है। ऐसे वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। संतान की खुशी ने उनकी जिंदगी बदल दी थी और वो दोनों खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा बाकी पक्षियों के साथ मुंह अंधेरे ही भोजन लेने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गोरी को भी एक अंडा देती है और कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक प्यारा सा बेटा निकलता है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। तब कालू कहता है, गोरी, अब मुझे पता चला है कि जिंदगी जीने का असल मकसद क्या होता है। जो खुशी मुझे अपने परिवार के साथ जीने के लिए मिली है, वो मुझे अकेले कभी नहीं मिली थी। मैंने बहुत चोरियां की और बहुत बुरे काम किए, लेकिन मैंने अपने इस बेटे के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो कालू जी, मैं भी आपको छोड़कर चली गई थी। अगर मैं भी सब्र और बर्दाश्त करती तो समय तो गुजर ही जाना था। इसी तरह वो तीनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुनिए जी, आखिर ये कौन हो सकते हैं? कोई चोर होंगे, हमारी फसल चुराने के लिए आए थे। तुम मुझे थोड़ा पानी दो। फिर वो सभी बाकी की रात को जागकर ही गुजारते हैं और फिर सुबह भी हो जाती है। कालू जी, कालू जी उठो, मुझे तो नींद आ गई थी। मैं तो देख ही नहीं सकी उस चिड़िया की बर्बादी को। अब चलो चलकर देखते हैं कि वो चिड़िया कैसे रो रही होगी। और फिर गोरी और कालू चिड़िया की फसल की तरफ जाते हैं। गोरी, ये क्या, चिड़िया की फसल तो बिल्कुल सही खड़ी है, इसे तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है, वो उल्लू तो बचन का पक्का है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। गोरी बहन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गईं। चिड़िया, क्या बात है, क्यों तुम्हारी सांस फूली हुई है? गोरी बहन, आज रात हमारे खेत में कुछ चोर घुस आए थे। वो तो कुकू जाग रहा था, इसलिए उसने देख लिए और फिर उसने हमें भी जगा दिया। नहीं तो ना जाने क्या हो जाता, हमारी पूरी साल की मेहनत है। तो फिर मेरे दोस्त आए तो थे? क्या कहा गोरी बहन जी? कुछ नहीं चिड़िया, मैंने कुछ नहीं कहा। गोरी बहन, आज से आप भी अपने खेत का ख्याल रखना। कुकू के पापा बता रहे थे कि इन दिनों चोर पकी हुई फसल को चुरा लेते हैं।
और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखा कालू जी, मेरे दोस्त बादे के तो पक्के हैं, वो आए थे, लेकिन उस छोटे से कुकू ने हमारे प्लेन को मिट्टी में मिला दिया और उन्हें भगा दिया। कालू जी मेरे सुंदर पति, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, मैं तो ही नाकाम। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कोई ना कोई उपाय निकालो। गोरी जी, ऐसे प्यार से बात कर रही हो तो फिर तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, और मैंने सोच भी लिया है कि मुझे क्या करना है। ये हुई ना बात, कितनी सुंदर चोंच है मेरे पति की और आंखें तो उससे भी ज्यादा। अब बताओ क्या सोचा है अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। गोरी, मैं आज रात चुपके से आऊंगा और चिड़िया की फसल में आग लगा दूंगा। आग? फिर तो सब मिट जाएगा और रानू रोती फिरेगी और मेरे पास आएगी गेहूं के दाने मांगने। मैं तो कहती हूँ कितनी जल्दी रात हो जाए, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। मम्मा मम्मा, अब हमारी फसल की कटाई कब शुरू होगी? कुकु बेटा, आपके पापा खेत पर ही हैं, आज वो देख लेंगे कि फसल अच्छे से तैयार हुई है या फिर नहीं, फिर दो दिन बाद फसल कटना शुरू हो जाएगी। कुकु बेटा, अब तुम सो जाओ क्योंकि आज रात हमें फिर से अपने खेत पर जाना है। फिर वो दोनों माँ बेटे सो जाते हैं और फिर रात भी हो जाती है। फिर वो सभी अपने खेत पर फिर से अपने खेत की रखवाली के लिए पहुँच जाते हैं। कुकु के पापा, आप सो जाओ क्योंकि मैं और कुकु तो दोपहर में सो लिए थे, इसलिए हम खेत की रखवाली कर लेते हैं। फिर कुकु का पापा सो जाता है। कालू जी, आग हम खेत में जाकर ही सुलगाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो चिड़िया का कुकु आज फिर से जाग रहा हो। अगर उसने आज हमें देख लिया तो वो फिर से शोर मचा देगा। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी गुस्से की आग में अंधे होकर रानू चिड़िया की फसल को जलाने आते हैं। फिर वो दोनों किसी तरह छिपते छिपाते चिड़िया की फसल में आ जाते हैं। कालू, अब जरा ध्यान से आग जलाना। लेकिन चिड़िया के अलावा उसकी खेत की रखवाली तो कोई और भी कर रहा था, वो तो उसके भगवान। तभी अचानक से आसमान में एक काला बादल आ जाता है। कालू ने अभी आग जलाई थी कि तभी उनके ऊपर तेज बारिश हो जाती है और आग बुझ जाती है। आज तो चिड़िया और कुकू भी सो गए थे। कालू, ये कैसा चमत्कार है, ये बारिश इधर उधर तो हो नहीं रही, बस इसे हमारे ऊपर होना था। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी बादल के कड़कने की आवाज आती है। वहीं पास में गोरी कौबी के खेत में जोर से बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से उसकी फसल में आग लग जाती है। बिजली के कड़कने की आवाज सुनकर चिड़िया का परिवार भी जाग जाता है। अरे ये क्या, बादल तो बिल्कुल साफ है, फिर ये बिजली के कड़कने की आवाज कैसे? अरे ये क्या, गोरी के खेत में तो आग लगी हुई है। इस तरह गोरी कौबी और कालू कौवा को उनकी गलती की सजा मिल जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत से डरना नहीं चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि जंगल के पक्षियों की मौत कैसे हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।